नमस्कार दोस्तों, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि कोई पीडीएफ फाइल में हमारे कुछ पेज रोटेट करने की ज़रूरत पड़ जाती है हमको, या कोई पेज ऐसे आ जाते हैं जो ब्लैंक होते हैं। कभी कभी हम किसी डॉक्यूमेंट को स्कैन करते हैं तो ब्लैंक पेजेस भी हमें उसमें पीडीएफ में आ जाते हैं। तो उसको हटाने के लिए एक बहुत ही आसान तरीका है, वही मैं इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों ये देखिए, मेरी एक फाइल है, इसमें कुछ पेज ब्लैंक हैं और कुछ पेज मुझे इसमें रोटेट करने हैं। तो कैसे करेंगे, तो उसके लिए पहले हमें जो है अपना कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना है और इसमें हमें टाइप करना है ilovepdf.com। जी हाँ दोस्तों, ये वेबसाइट है ilovepdf। आप इतना भी डाल देंगे गूगल में तो ये आ जाएगी, सबसे ऊपर की जो वेबसाइट है वही आती है। इस पर हम क्लिक कर देंगे। तो इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने ये काफ़ी सारे मेन्यू इसमें आ जाएंगे दोस्तों। इसमें आप JPG से PDF, PDF से JPG, ऑल अनलॉक PDF, प्रोटेक्ट PDF, ये काफ़ी सारे मेन्यू हैं। लेकिन इसमें हमें जो मेन्यू चाहिए वो है ऑर्गेनाइज PDF। ठीक है, ऑर्गेनाइज PDF पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये मेन्यू हमारा ओपन हो जाएगा। इसमें हम पेज रोटेट भी कर सकते हैं और कोई पेज हटा या जोड़ भी सकते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ से या तो अपनी PDF फाइल सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लिक करके, या डायरेक्ट हम अपनी उस फाइल को ड्रैग करके भी यहाँ ले आ सकते हैं। तो आप देखिए दोस्तों, ये फाइल हमारी खुल चुकी है। अब इसमें मेरे कुछ ये पेजेस जैसे आपको दिख रहे हैं ये ब्लैंक हैं, तो यहाँ से तो ब्लैंक पेजेस पे मैं क्लिक कर करके उनको हटा देता हूँ। ये क्रॉस का निशान आएगा ना, इस पर लिखा आएगा डिलीट, तो यहाँ से ये पेज हमारे इसमें से डिलीट हो जाएंगे। ऐसे करके मैं सारे पेजेस इसमें से डिलीट कर देता हूँ। डिलीट करने के बाद अब इसमें कुछ पेज ऐसे हैं जो तिरछे हैं, यानी कि इनको मुझे रोटेट करना है। तो कैसे करूँगा, तो रोटेट करने के लिए ये देखिए, जैसे हम यहाँ क्रॉस के बराबर में जो एक साइन दे रखा है इन्होंने रोटेट का, इस पर क्लिक करेंगे और जितना मर्जी हम उसको उतना घुमा देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये रोटेट जैसे मैंने क्लिक किया तो ये मेरा पेज सीधा हो गया। ठीक है, तो ये मेरा पेज दोस्तों इसमें एकदम सही हो गया है। सही होने के बाद अब आप इसमें एक बार चेक कर लें अपनी PDF में कोई पेज आपको ऐसा तो नहीं जो और सही करना हो, या किसी को डिलीट करना हो, या अगर आपको कोई पेज इसमें ऐड करना है तो आप इसमें कोई पेज ऐड भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि आपको कोई पेज इसमें ऐड करना है तो यहाँ प्लस के आइकन पर जाकर आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ ये आपसे पूछेगा कि आपको सिस्टम से चाहिए वो फाइल या आपकी गूगल ड्राइव से है। गूगल ड्राइव से भी ये ले सकता है और क्लाउड से भी ले सकता है। ठीक है, दूसरा इसमें नीचे ऑप्शन है 1 to 9, जो लिखा है ना 1 से 9, इसका मतलब कि आपके पेज जो है ये सीरियल से कर देगा, यानी कि पेज को जो है मतलब पेज नंबर के हिसाब से सारे पेज आपके लगा देगा फाइल में। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी फाइल अब बिल्कुल सही हो गई है। मैंने पूरी फाइल अपनी देख ली है, इसमें कोई कमी नहीं है। तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम क्लिक करेंगे ऑर्गेनाइज पर। ठीक है, अब जैसे ही मैं ऑर्गेनाइज पर क्लिक करूँगा, ऑर्गेनाइज पे क्लिक करने के बाद यहाँ लिखा जाएगा दिस टास्क हैज़ बीन प्रोसेस्ड सक्सेसफुली, यानी कि इसने हमारी फाइल को एकदम सही कर दिया है। अब ये अपने आप ही डाउनलोड होने के लिए मांगेगा। कभी कभी अगर नहीं मांगता है तो हमको डायरेक्ट यहाँ लिखा रहा है डाउनलोड फाइल, यहाँ से हम डाउनलोड कर सकते हैं। इसी फाइल को स्प्लिट करना है या कंटिन्यू टू ऐड पेज नंबर डालने हैं, वाटरमार्क डालना है, या पूरे की पूरी फाइल को रोटेट करना है ना, या प्रोटेक्ट करना है, पासवर्ड लगाना है इसमें, या इसको कंप्रेस करना है, या किसी फाइल के साथ जोड़ना है, तो वो सारे ऑप्शन भी इसी में यहीं पर मिल जाएंगे। उसके बाद आप इसको फिर दोबारा से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं डाउनलोड फाइल पर जैसे ही क्लिक करूँगा ये डाउनलोड के लिए मांग रहा है, और अब इसको आप जहाँ मर्जी वहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। अब ये देखिए, इसमें डाउनलोड होने के बाद मैं आपको ये खोल के भी दिखा देता हूँ। ये मान लीजिए मैंने यहाँ पर इसको सेव कर दिया है। सेव करने के बाद जैसे ही मैं इस पर क्लिक करूँगा ये मेरी फाइल डाउनलोड हो गई है। ठीक है, इस पर क्लिक करने के बाद मैं आपको दिखा भी देता हूँ कि इसमें से ब्लैंक पेजेस सारे हट चुके हैं और जो पेज मैंने रोटेट किए थे वो पेज भी इसमें रोटेट हो गए हैं। आप देख सकते हैं नीचे हैं वो पेजेस, काफ़ी बड़ी फाइल थी, 68 पेज की मेरी फाइल बन गई अभी। तो इसमें ये बहुत अच्छी वेबसाइट है दोस्तों,
इसमें काफ़ी सारे हैं और भी इसमें काफ़ी मेन्यू दे रखे हैं, उनके ऊपर भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप मेरे चैनल पर देख लीजिए। इसके और मेन्यूज़ के बारे में मर्ज या जो है कंप्रेस या किस तरह से हम पासवर्ड वगैरह लगाते हैं उसके ऊपर भी मैं वीडियो इस पर डालता रहता हूँ। आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलती रहती हैं नई नई जानकारियाँ। तो अगली बार मैं फिर इसके बारे में कुछ और वीडियो भी डालूंगा, तो आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए मुझे वीडियो ज़्यादा